हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CBST में और स्वागत है इस मॉक टेस्ट में जो कि एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड मॉक टेस्ट लाया गया है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखिएगा तो वहां पे लिखा गया है कि परीक्षा की तैयारी करते रह जाओगे जब तक अपने आप को जांच नहीं पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कहने का अर्थ ये है कि आप लोग परीक्षा की तो तैयारी जो है वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जब तक वे लोग मॉक टेस्ट या अपने प्रैक्टिस सेट जब तक वे लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि वह कितने पानी में है और कितने ज़्यादा वह स्ट्रांग है और उनका कौन सा जो वीक पॉइंट है वो उसकी कौन से सब्जेक्ट में कितना वे वीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सेशन है वह इंग्लिश की लेके आया हूँ मैं और आप लोगों को मेरे चैनल्स पे मोर देन 30 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न पे होंगे। तो देखना यहाँ पे यह है कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको ऐसे तैयारी करना है कि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके। अगर आप लोग मैक्सिमम स्कोर नहीं भी कर पाते हैं तो आप लोगों को मेरे चैनल पे इतनी बतला दी जाएगी ताकि आप मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे एयरफोर्स एंड नेवी की जो एग्ज़ाम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरी चैनल्स पे जो क्लासेस आती है उसकी टाइम टेबल दी गई है। जैसे कि एयरफोर्स से रिलेटेड ये सारी है, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की जो क्लासेस होती है वह 10 AM सुबह की 10 बजे आती है, फिर कॉमन एरर और जो इम्प्रूवमेंट की होती है वह दोपहर के 2 बजे आती है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और जो ईडियम्स की होती है वह शाम में 5 PM में अपलोड कर दिए जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो है आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको क्या करना है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है होते हैं वह किस प्रकार के आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होती है कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जो होती है वह कॉमन एरर से रिलेटेड आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन एरर की है। जैसे क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट द सेगमेंट्स, एक सेगमेंट है, जैसे इसमें ए सेगमेंट दिया हुआ है, आपके बी सेगमेंट और सी सेगमेंट दिया गया है, तो इसमें से एक सेगमेंट को सिलेक्ट करना है डेट कंटेंस अ ग्रामेटिकली एरर, जिसमें ग्रामर के अनुसार एरर दिया गया है। इफ़ देयर इज नो एरर मार्क, यदि कोई भी एरर नहीं है तो फिर आपको नो एरर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़िएगा तो लिखा गया है कि देयर वेयर अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स एट द पार्टी, जो पार्टी थी वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल सुंदर से जो थी गर्ल्स थी, बट लेकिन इट वाज सुमन, यह सुमन ही था, अ सिंपल एंड अ मॉडेस्ट पर्सन, जो कि एक सिंपल और मॉडेस्ट पर्सन था, हु रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, बतलाना ये है कि इसमें गलती कहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे आप नाउन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे बतलाया गया है कि अगर दो नाउन, ठीक है फ्रेंड्स, अगर दो नाउन क्या होते हैं, दो नाउन जो होते हैं ऑफ से जुड़े होते हैं, दो नाउन क्या होता है कि ऑफ से जुड़ा होता है, तो फर्स्ट नाउन पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं उसको पार्टिकुलाइज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसको पार्टिकुलाइज करने के लिए आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेक्शन सी है फ्रेंड्स, सेक्शन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पे ये जो होगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है वो सुमन के बारे में बात की जा रही है, सुमन को बतलाने के लिए, तो सुमन को यहाँ पे पार्टिकुलाइज किया जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सेकेंड भी कॉमन एरर से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दी गई है कि यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस, ठीक है, एंड इट्स एक्टिविटीज़ टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें बतलाना है कि गलती कहाँ पे। जैसे एक सेंटेंस ये बोल रहा है कि आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रोटेक्ट की जो एक्टिविटी है कंट्री के वहाँ पे कहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बतला दूँ कि ये भी जो क्वेश्चन है नाउन से रिलेटेड ही है और नाउन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में और वह सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो जो इन्फॉर्मेशन होता है वह नेचर में आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं अपने साथ एस और ई एस नहीं लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो एस लिखा गया है वह आपकी गलत हो जाएगी, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन,
ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आपकी सेक्शन ए में क्या है कि गलतियाँ हैं, और ये फिर आपकी जो यहाँ पे एरर है ये इंफॉर्मेशन ना होके इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस इसमें नहीं होगी फ्रेंड्स। उसके बाद जो क्वेश्चन आती है वो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ये आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका सिनोनिम्स बतलाना है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं ये वर्ड लिखा गया है, ठीक है, ये वर्ड ग्लोरियस लिखा हुआ है, और यहाँ से 4 ऑप्शन आपके ए बी सी और डी दिए गए। फर्स्ट में इनॉर्मस, दूसरा में जेंटल, तीसरा स्प्लेंडेड और फोर्थ है ऑफुल लिखा गया है। अब इसमें से बतलाना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो जो ग्लोरियस वर्ड्स होता है इसका मीनिंग होता है अमेजिंग और एडमायरेबल। अमेजिंग हो जाएगा आश्चर्य, ठीक है, ये होती है मीनिंग। इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है तो ये भी आपको जानना होगा। तो बारी बारी से मैं आपको सारे वर्ड्स का जो हिंदी मीनिंग होगा या इंग्लिश मीनिंग जो उसके साइनोनिम्स होगा ये बतला देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं सबसे पहले बतला देता हूँ आपको कि इसका करेक्ट आंसर जो होगी स्प्लेंडिड हो जाएगी, क्योंकि स्प्लेंडिड का भी अर्थ वही होता है जो कि ग्लोरियस का होता है, ठीक है फ्रेंड। स्प्लेंडिड ये सिमिलर वर्ड हो जाएगी आपके दिए गए वर्ड से, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए बतलाता हूँ कि इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है। तो इसकी बात की जाए तो इसकी ह्यूज हो जाएगी, इनॉर्मस जो होगी ह्यूज हो जाएगी, मतलब बड़ा से रिलेटेड होती है। जेंटल आपको पता है कि ये समवन हु इज काइंड एंड मिल्ड, वैसे व्यक्ति से ये रिलेटेड आता है, रिफर्स करता है जो कि दयालु हो, ठीक है। और जो ये आपका जो डी में वर्ड लिखा गया है इसका अर्थ होता है बैड, ठीक है, ये बैड सेंस में आता है। तो ये आप फोर्थ जो वर्ड्स इसके लिखे गए चारों के मीनिंग आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, इसकी अपोजिट मीनिंग को बतलाना है कि इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी। जैसे कि लिखा गया है वर्ड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जो लिखा गया है इसकी मीनिंग जो अपोजिट होगी, ठीक है, वह इसमें से क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दो कि इसकी आंसर जो होगी फर्स्ट हो जाएगी, ये आपकी मीनिंग ये हो जाएगी स्टिफ, क्योंकि फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या होता है, फ्लेक्सिबल देखिए फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल्स जो होता है वर्ड से रिफर्स करते हैं कैपेबल ऑफ बेंडिंग ईजली विदाउट ब्रेकिंग। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है कि आप सक्षम होते हैं, फ्लेक्सिबल का अर्थ हो गया कि मुड़ने में सक्षम होना, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी मीनिंग ये होती है। और जबकि बात कर दूँ ऑप्शन ए जो इसकी एंटोनिम्स होगी स्टिफ, उसके अपोजिट हो जाता है इज नॉट ईजली चेंजेबल, नॉट इज नॉट ईजली चेंजेबल, इसका मीनिंग होता है कि ये आसानी से चेंज नहीं होता है। तो इसकी करेक्ट आंसर ये हो जाएगी, आपको सॉफ्ट पता ही होगा मुलायम होता है। स्टेल का अर्थ क्या होता है तो ये बासी के सेंस में आता है, नॉट फ्रेश फूड्स बोल सकते हैं। उसके बाद सपल्स का अर्थ हो जाएगा पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोला जा सकता है कि सपल्स का अर्थ क्या हो जाएगा कि सपल्स, इसका भी अर्थ होता है बेंड्स, बेंड्स और मोल्ड्स इजली आसानी से मुड़ने वाला ही ये भी होता है। तो इसकी अलग अलग मीनिंग आती है, तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा गया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, इसमें से बतलाना है कि कौन सी जो वर्ड्स है वह इनकरेक्टली स्पेल्ड है, मतलब एरर कौन से वर्ड्स में है ये आपको बतलाना है। तो आप लोग देख के कमेंट कर सकते हैं कि इसकी कौन सी आंसर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि चलिए आपको मैं बतला देता हूँ कि ये जो 4 वर्ड्स लिखे गए हैं तो इसमें आपकी जो एरर है वर्ड में ये यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन जो वर्ड लिखा गया है वह आपका इसी में एरर है, इसकी आंसर क्या हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको लिखा जाएगा ई, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी मीनिंग हो जाएगी। जैसे एक्सक्लेमेशन से जो लिखना है तो उसकी मीनिंग यहाँ से ये, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगी ई एक्स सी, उसके बाद एल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ए आई एम, उसके बाद बाकी जो ये लिखा गया वही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ए की जगह पे अगर ए और एम के बीच में अगर आई लिख दिया जाएगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है तो एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, सरप्राइज को बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एफिलिएट का अर्थ क्या होता है तो किसी से जुड़ा होना होता है, एफिलिएट का अर्थ ये हो जाएगा। उसके बाद है एनी हिलेट, ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है डिस्ट्रॉय,
किसी को डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है बर्बाद कर देना, ये होता है, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा गया कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट एक्चुअली लिखा हुआ, दूसरा पैरलर, तीसरा परस्यूट और फोर्थ ओपिनियन लिखा गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये जो है गलत ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन सी इसकी है ये रॉन्ग है। इसकी आंसर जो हो जाएगी वह हो जाएगा ये, आपकी आंसर जो होगी ये हो जाएगा पी यू आर, ठीक है, ये हो जाएगी उसके एस यू आई टी, ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये आपकी गलत आंसर दी हुई है और ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स, जिसका अर्थ होता है आप यहाँ से सम, इसका मीनिंग जो होता है इट इज़ द एक्शन ऑफ परस्यूइंग, इसका अर्थ है ट्रैकिंग, चेजिंग, किसी को चेज करना, किसी को ट्रैक करना, तो उसके सेंस में इसकी मीनिंग आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर सके एयरफोर्स और नेवी की, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है पी क्यू आर एस से रिलेटेड आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट करके भी क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं इसको क्या करना है कि करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंजमेंट करना है, ताकि जो सेंटेंस है ठीक है उसकी मीनिंग सही आ सके। तो फर्स्ट ये लिखा गया कि टू यूज द इंटरनेट अ मेजोरिटी ऑफ इंडियंस प्रीफर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसकी एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूंगा इससे रिलेटेड। ऐसे प्रत्येक दिन की जो सेट होगी उसमें एक और दो क्वेश्चन इससे आएगी ही आएगी, तो आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से जो होता है हम लोग लास्ट वर्ड को देखते हैं, जैसे ये लास्ट वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे सब में लास्ट वर्ड या फर्स्ट वर्ड तो देखा जाता है, तो जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं प्रीफर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीफर्स के बाद टू आता है, ये तो पता होता है सबको, प्रीफर्स टू होता है, प्रीफर टू होता है। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए यहाँ पे, तो अ मेजोरिटी ऑफ इंडियंस प्रीफर टू यूज द इंटरनेट, ये बी हो रहा है और उसके बाद ए आ रहा है। तो आप सेंटेंस में आप यहाँ से देख सकते हैं कि काम ये जो आपको थ्री ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप चूज कर सकते हैं कि बी और ए कहाँ पे लिखा हो। तो इसमें वन में भी लिखा हुआ है, टू में भी लिखा हुआ है, अगर किसी दो में ही होता या किसी एक में होती तीनों ऑप्शन में से तो वह आंसर सही हो जाता, लेकिन आप यहाँ से देखना है सब में लिखा गया, तो अब देखना है कि कौन से स्टार्टिंग में आएगा। तो अ मेजोरिटी ऑफ इंडियंस प्रीफर टू यूज द इंटरनेट, ये तो सही है, ठीक है। ये होगा कि इंडियंस में से मैक्सिमम लोग जो होते हैं इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं, ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें आएगी वह हो जाएगा कि फॉर एक्सेसिंग बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, अब इंटरनेट यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो वो भी तो आपको लिखना होगा। तो फॉर एक्सेसिंग बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस देन शॉपिंग ऑनलाइन, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इंडियंस हैं ठीक है, जो इंडियन पीपल हैं वह तो इंटरनेट यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन किसके लिए, तो बैंक और जो फाइनेंशियल सर्विस होता है उसके लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ना कि शॉपिंग के लिए। शॉपिंग ऑनलाइन जो शॉपिंग होता है उसके मुकाबले में इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी जो इसमें करेक्ट आंसर जो होगी वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बी ए सी डी इस ऑर्डर में इसकी करेक्ट आंसर आएगी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, एक मिनट लग रहा है कि कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट गया, नहीं चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा गया, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड, इसमें बतलाना है कि ये यहाँ से लिखा गया टू राइज द वैल्यू, इसको क्वेश्चन ये बोला गया कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड। यहाँ पे फोर वर्ड्स जो लिखे गए हैं और यहाँ पे, तो ये आपका idiom से रिलेटेड है, ये जो है idiom से। तो क्वेश्चन ये है कि टू राइज द वैल्यू, तो इसका मीनिंग होता है वैल्यू बढ़ना, ठीक है। तो राइज, टू राइज द वैल्यू, तो यहाँ से तो अगर हिंदी में बात की जाए तो वैल्यू बढ़ना हो गया, तो वैल्यू कब बढ़ सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह अप्रिसिएट हो जाएगा। अप्रिसिएट ही यहाँ पर सबसे सुटेबल वर्ड आ रहा है, सूट कर रहा है यही वर्ड्स। तो टू राइज द वैल्यू का करेक्ट आंसर अप्रिसिएट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सटेंड का अर्थ होता है कॉल्स टू कवर अ विडर एरिया मेक लार्जर, एक्सटेंड का अर्थ हो गया बड़ा बनाना, ठीक है, मेक लार्जर होता है। फिर डिफ्रिशिएट जो लिखा गया है उसका मीनिंग हो जाएगा कि वैल्यू को कम करना होता है, और इनलार्ज को, इनलार्ज जो होता है उसका भी अर्थ होता है बिकम लार्ज, बड़ा होना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, वैल्यू बढ़ रहा है तो अप्रिसिएट, आपकी प्रशंसा भी तो हो सकती है वहाँ पे, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन ये नेक्स्ट आया,
ये क्वेश्चन लिखा गया कि दे वेयर किलिंग लिटिल बटरफ्लाईज, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लिटिल बटरफ्लाई है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगी, तो लिटिल बटरफ्लाई। अब ये पास्ट टेंस में है और ये प्लुरल है, ठीक है, ये प्लुरल है तो वेयर का वेयर हो जाएगा। यहाँ पे किलिंग भी प्लस आईएनजी है तो उसको चेंज करने के लिए बिंग प्लस V3 और फिर किसके द्वारा किया जा रहा है तो उसको एजेंट को लिखा जाता है, तो करेक्ट आंसर ये आपकी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस आता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंप्रेहेंसिव जो होता है या तो वो पैसे जा सकते हैं आपके एग्जाम में या क्लोज टेस्ट आते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, जो यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब दिए गए हैं तो उसका जो एप्रोप्रिएट टेंस होगा यहाँ पे क्या होगा वही आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट ब्लैंक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इट वाज अ वेरी हॉट डे, आज बहुत ही, इट वाज अ वेरी हॉट डे एंड द सन, ठीक है, तो यहाँ पे बतलाना कि ये जो बिट लिखा गया है तो इसी को प्रयोग में लाना है। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पे भी बोला जा चुका है, तो आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था एंड द सन, अब सन के बाद क्या बिटेन आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स बिटेन कब आ सकता है जब इसके पहले जो होगा हैज या हैड होगा तब, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, विल तो होगा नहीं और हैड बिट हो सकता है, हैड बिट नहीं हो सकता क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, इसमें ईएन लगा होता तो हम लोग इस पर सोच सकते थे कि ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ से वाज बीटिंग हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो रहा है कि इट वाज अ वेरी हॉट डे एंड द सन वाज बीटिंग डाउन द अर्थ, ये आपके आंसर हो जाएगा। चले सेकंड जो इसमें क्वेश्चन है वो अब देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि विच करेक्ट टेंस इज वर्ब शुड बी कम इन द ब्लैंक्स टू, यहाँ पे ब्लैंक्स टू होगा जो ब्लैंक थ्री लिखा गया है। द फॉरेस्ट एनिमल्स वेयर, जो फॉरेस्ट एनिमल थे वे, द फॉरेस्ट एनिमल्स वेयर डैश फील एक्सट्रीमली पर्स्ड, यहाँ पे फील जो वर्ड दिया गया है इसी को लिखना है, क्या यहाँ पे फीलिंग होगा, हैड फेल्ड होगा, फेल्ट होगा या वाज फेल्ट होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेयर लगा हुआ है तो सबसे पहले तो ये हैड फेल्ट और वाज फीलिंग आपकी गलत हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ से दो ऑप्शन बचते हैं, एक फर्स्ट फेल बचता है, फीलिंग बचती है और दूसरा फेल्ट बचता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो सेंटेंस पढ़ने पे ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव में है नहीं, तो फेल्ट तो होगा नहीं क्योंकि V3 पैसिव के लिए आता है, तो इसकी करेक्ट आंसर फीलिंग हो जाएगी। द फॉरेस्ट एनिमल वेयर फीलिंग एक्सट्रीमली पर्स, ये इसकी आंसर हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि क्या लिखा गया है। अब थर्ड नंबर के लिए आप यहां से देख सकते हैं लिखा गया है कि विच करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब शुड कम इन द ब्लैंक्स, यहां पे जो ब्लैंक्स है वहां पे कौन सी वर्ब आएगी, तो यहां से पढ़ना था इट हैड नॉट रेंड इन अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी एंड द रिवर्स एंड लैक्स हैड ऑल ड्राई आउट, और जो रिवर्स थे और जो लैक्स थे वो सारे के सारे क्या हुए थे कि सूख गए थे। ये वह देयर वॉज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ पे एक बूंद जो होती है वाटर की वो भी नहीं था, टू बी फाइंड पाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स टू बी फाइंड, अगर केवल टू होता यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर टू होता है ठीक है फ्रेंड्स, तो टू के बाद हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म प्रयोग कर सकते थे और ये इन्फिनिटिव कहलाता, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है, तो टू है उसके बाद बी है, तो बी के बाद जब भी आएगा तो वह वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, पार्टिसिपल नहीं आएगा। तो अब इसमें फाइंड करना है कि आखिर पार्टिसिपल होगा क्या, तो फाइंड तो होगा नहीं, फर्स्ट ये हुआ हैड फाउंड तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर में मैच नहीं कर रहा, फाउंडेड भी नहीं होगा क्योंकि फाइंड का V3 जो होता है वह फाउंड हो जाएगा, तो इस कारण से इसकी करेक्ट आंसर ये हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट जो लिखा गया ये कि विच करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब शुड कम इन ब्लैंक फोर, ब्लैंक फोर में कौन सा वर्ड आएगा, तो ब्लैंक फोर ये लिखा गया। अब यहाँ से आपको पढ़ना होगा, तो देखिए पढ़ने पे ये पता चल रहा है कि द एनिमल्स डिसाइडेड टू टेक अप द मैटर टू द किंग, जो एनिमल्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस बात को अपने राजा के पास ले जाएंगे, द लायन ठीक है, बट ही टर्न्ड देम अवे, लेकिन वे लोग क्या हुए कि मूव कर गए, क्यों, तो अब यहाँ पे से जो लिखा गया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टर्न देम अवे, अवे जो आया आपका वह प्रीपोजिशन है ठीक है, टर्न अवे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशंस जो होते हैं उसके बाद जो होता है अगर नाउन आएगा तो सही है ठीक है, लेकिन वर्ब आता है तो वह क्या होता है कि भी प्लस आईएनजी में आता है, प्रीपोजिशन जो होते हैं ठीक है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है कि वर्ब का जो फॉर्म आता है वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो इसमें आपको बस यही देखना है कि आईएनजी कहां पे लगा हुआ है, तो इसका आंसर सेइंग हो जाएगा, ये आपकी आंसर हो जाएगी। तो अगर आप सही से पढ़ते हैं ठीक है, तो आप 5 में 5 इसमें स्कोर करके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इसमें का,
कि लिखा हुआ है कि विच करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब शुड कम इन ब्लैंक फाइव, फाइव में कौन सा आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपके फाइव नंबर है, ठीक है। तो उसके पहले देखिए आप यहाँ पे ये लिखा गया है टू, ठीक है। तो टू जब आया, टू जब लिखा गया, तो टू के बाद अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उसके बाद वी वन आता है। तो आप देख सकते हैं एपीज लिखा हुआ है, तो इसकी वी वन फॉर्म सेम फॉर्म यहाँ से इसकी आंसर हो जाएगी। ये तो होगी नहीं पहले क्योंकि ये सिमिलर हो गया, एस लगा होगा, ये भी नहीं होगा, और विल एपीज होगा नहीं, तो इसकी आंसर ये हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। और एक टारगेट कर लें कि हाँ मैं दो फ्रेंड के पास शेयर करूँगा, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से 30 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे, एग्जाम पैटर्न पे ही होगा। और अगर आप 30 मॉक टेस्ट कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 15 प्लस जरूर आप करके आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।